अगला दिन जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। हिस्टोलॉजी ऑफ द गट में क्या था कि गट जो था उसकी संरचना कैसी है ना, वो बना हुआ कैसा है। तो हम लोग का जो गट होता है ओसोफेगस से लेके चलो लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो उसमें आपका तीन लेयर तो बड़ी बढ़िया सब में होता है, चौथा लेयर एक होता है सीरोसा। कौन कौन है? म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलेरिस एक्सटर्ना है और सीरोसा है। सीरोसा जो है बाहर से पेरिटोनियम का लेयर होता है, म्यूकोसा इनर मोस्ट था, हम लोग कल पढ़े थे इसके बारे में। फिर सरफेस एपिथेलियम था और लैमिना प्रोप्रिया था। लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलेरिस म्यूकोसा ये तीनों के तीनों म्यूकोसा का भाग थे, सरफेस एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलेरिस म्यूकोसा। हम लोग कल लैमिना प्रोप्रिया तक देखे थे। एक फिगर में भी हम लोग कुछ इसका बात किए थे, वो फिगर था आपका ब्लड वेसल्स, उसमें हम लोग देखे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहाँ पर है, सर्कुलर मसल्स कैसा होता है, म्यूकोसा कहाँ पर होता है, सब म्यूकोसा कहाँ होता है, सीरोसा कहाँ होता है, ये कुछ हद तक डायग्राम एक बनाकर हम लोग इसको देखे थे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से देखे थे डियोडनम का कटिंग करके ह्यूमन का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि बीच में स्पेस था और उसके बाद सबसे पहला जो लेयर था अंदर से वो हम लोग का कौन था? म्यूकोसा था। फिर अंदर से जो बाहर की तरफ सेकंड जो लेयर था उसका नाम था सब म्यूकोसा। उसके बाद तीसरा जो लेयर था अंदर से बाहर की तरफ वो मस्कुलेरिस एक्सटर्ना था और चौथा था सीरोसा। हम ये सब जो देख रहे हैं लेयर ये सब अंदर से बाहर की तरफ है। पर बात कर रहे थे तो स्ट्रक्चर में कल बात किए थे कैसा होता है इंटेस्टाइन का स्थिति में हम लोग देख रहे थे। उसके बाद कुछ बात पढ़े भी थे, हम लोग का बचा हुआ था मस्कुलेरिस म्यूकोसा से। आपका जो म्यूकोसा था, म्यूकोसा का तीसरा जो आपका लेयर था अंदर में उसका नाम था मस्कुलेरिस म्यूकोसा। कल सरफेस एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया तक देखे थे। मस्कुलेरिस म्यूकोसा का बात करते हैं तो ये जो है ना आउटसाइड होता है लैमिना प्रोप्रिया का। लैमिना प्रोप्रिया जो है ना उसके जस्ट बाहर ये पाया जाता है और स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है। इसमें जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो दो लेयर में सजे होते हैं। जो इनर लेयर होता है वो सर्कुलर मसल्स फाइबर का होता है, जबकि आउटर लेयर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान यही दीजिएगा कि कौन सा लेयर जो है ना किस मसल फाइबर का बना हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनर लेयर जो है ना वो बना हुआ है किसका भाई? सर्कुलर मसल्स का, ये ध्यान रखना है। सर्कुलर मसल का बना हुआ है कौन? इनर लेयर, ये ध्यान रखिएगा एकदम। और जो आउटर लेयर है वो बना हुआ है किसका भाई? आउटर लेयर बना हुआ है आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर का। ये हम लोग देख रहे थे किसमें? मस्कुलेरिस म्यूकोसा में। और मस्कुलेरिस म्यूकोसा किसका पार्ट था, किसका लेयर था? तो ये बताए थे ये जो है ना ये पार्ट है आपका म्यूकोसा का, मतलब सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है हमारे इंटेस्टाइन में उसका होता है। अगला जो बात हम लोग करते हैं सब म्यूकोसा का। सब म्यूकोसा जो होता है जस्ट बाहर में पाया जाता है किसका? म्यूकोसा का, मतलब सेकेंड लेयर होता है अंदर से बाहर की तरफ। जबकि अगर बाहर से चले तब तो तीसरा लेयर हो जाएगा। तो अंदर से बाहर की तरफ जो है ना आपका दूसरा लेयर होता है, अर्थात ये जस्ट आपका म्यूकोसा के बाहर या बिलो होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मसल्स यहाँ पर लिखिए कि मसल्स के बाहर होता है वो जाना चाहिए। ये जो है ना आपका डेंस इरेगुलर फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और इसमें लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो भी आपके गट में बड़े बड़े जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब यही इसी रीजन में पाए जाते हैं सब म्यूकोसा में। तो दो तीन चीज ध्यान रखना है। पहला कि इसमें इरेगुलर फाइब्रस टिश्यू है, जबकि इसके पहले जो हम देख रहे थे मस्कुलेरिस म्यूकोसा में उसमें आपका देखे होंगे आपका अरेंज्ड है मसल्स एक लेयर के रूप में, है ना, रेगुलर फाइबर्स के रूप में। यहाँ पर डेंस होता है, घना होता है, इरेगुलर फाइबर्स होता है और आपके गट में जो भी बड़े बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। नर्व फाइबर्स होता है प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं अधिकांश जो आपके बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल में वो आपका इसी रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि डियोडिनम जो होता है उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ना मेनली यहाँ पर होता है। बाकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो बनता तो है म्यूकोसा से सब में, हाँ
लेकिन यहां भी हम बात करके पहले अभी हम ड्यूडनम का बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ड्यूडनम जो होता है उसका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है वो मेनली इसी रीजन में पाया जाता है। और नोट में यही बात को लिखे हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो बनता कहां से, म्यूकोसा से, लेकिन सब म्यूकोसा रीजन में पाया जाता है, किसमें, ड्यूडनम में। लेकिन दूसरे में अगर आप जाते हो, स्टोमक का है या इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का है, वो सब का म्यूकोसा में ही रहता है। फिर से बोलते रहे, सब म्यूकोसा में आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाया जाता है किस रीजन में, ड्यूडनम के रीजन में, लेकिन बाकी जो रीजन है आपका इंटेस्टाइन का, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, और कहीं भी, उन सब में क्या होता है आपका आपका जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड वो कहाँ होता है, म्यूकोसा में होता है, स्टोमक में या दूसरे जगह पर समांतर म्यूकोसा में होता है। डियोडनम में जो है ना वो कहाँ होता है, सब म्यूकोसा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना का बात करते हैं, ये तीसरा लेयर है अंदर से बाहर की तरफ, और बाहर से अगर चलेंगे तो दूसरा लेयर हो जाएगा सिरोसा के बाद, ठीक है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो होता है वो जस्ट सब म्यूकोसा से बाहर पाया जाता है। इसमें आपका स्मूथ मसल फाइबर्स इसमें भी होते हैं, इसमें भी आपका दो लेयर में सजा होता है स्मूथ मसल फाइबर। पहला लेयर जो होता है जो अंदर के तरफ से है वो आपका सर्कुलर मसल्स का होता है, जैसा कि ऊपर भी हम लोग देखे हैं, और दूसरा जो बाहर की तरफ होता है आउटर लेयर वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होता है, जैसा कि ऊपर में देखे है ना। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा में जैसा था जस्ट करीब करीब यहां भी वही स्थिति है, लेकिन यहां पर एक जो है ना बात लिखे है ब्रैकेट में, ये ध्यान देने लायक है, क्या है, अगर हम स्टोमक का बात करेंगे तो वहां पर ऑब्लिक स्मूथ मसल फाइबर्स पाया जाता है लेयर के रूप में, और वो जो होता है ना सर्कुलर मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं, यहां पर क्या पढ़े हम लोग कि दो लेयर होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना में, किसका, स्मूथ मसल फाइबर का। एक इनर लेयर होता है वो आपका कौन हो गया, सर्कुलर मसल्स के रूप में, जबकि आउटर लेयर जो होता है वो किस रूप में होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के रूप में होता है। अपवाद एक है स्टोमक, स्टोमक जो हम लोगों का होता है वहां पर ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक स्मूथ मसल फाइबर पाया जाता है लेयर के रूप में, और ये रहता कहाँ है, सबसे अंदर का लेयर के रूप में होता है, मतलब कि सर्कुलर मसल्स जो लेयर था उससे भी अंदर पाया जाता है। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे तीसरा लेयर जिसका नाम था मस्कुलरिस एक्सटर्ना। चौथा जो लेयर है हम लोगों के इंटेस्टाइन में उसका नाम है सीरोसा या विसरल पेरिटोनियम इसको बोलते हैं। अभी हम आपको बोले थे कि रियली में यही तीन लेयर है जब शुरुआत किए थे, तो चौथा जो लेयर है वो पेरिटोनियम होता है। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो रहा होगा कि पेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियम जो है ना आपका बॉडी जो थोड़ा बहुत भी अगर आप क्लासिफिकेशन कहीं कभी भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे शायद कि आपका जो बॉडी कैविटी है उसको हम सिलोम कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं उनका जो बॉडी कैविटी होता है उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। आधार क्या है कि वो अंदर से कैसा लाइनिंग है उसका। अगर किसी के बॉडी कैविटी का अंदर का लेयर है ना, लाइनिंग लेयर, अंदर का लाइनिंग लेयर और इंटेस्टाइन का ऊपर का लेयर जो है वो दोनों के दोनों मेसोडर्मल होगा तो उसको बोलते हैं सिलोम। वैसे बॉडी कैविटी को सिलोम बोलते हैं, क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। तो हम लोग का जो बॉडी कैविटी होता है उसमें आपका इंटेस्टाइन का बाहरी जो दीवार होता है, जो यहां पर अभी सिरोसा कहला रहा है, कहा जा रहा है ये, और तो और आपका जो बॉडी वाल है उसका जो सबसे अंदर का लेयर होता है, दोनों के दोनों मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, मतलब मेसोडर्मल सेल्स के बने होते हैं, और इसको इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। जो आपके बॉडी वाल के बाहर का दीवार को जो बनाता है उसको बोलते हैं, बॉडी वाल के अंदर का जो लेयर को बनाता है उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, जबकि जो बाहर का लेयर बनाता है आपका किसका, इंटेस्टाइन का सबसे बाहर का लेयर, उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे में, अभी फिलहाल दिमाग में थोड़ा सा रख लेना। विसरल पेरिटोनियम का मतलब है वैसा पेरिटोनियम जो बॉडी कैविटी का सबसे बॉडी कैविटी में अंदर से लाइन करेगा। हाँ, बॉडी कैविटी का बाहर का जो लाइन होगा उसको कहेंगे हम क्या,
पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम का दो लेयर होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ाएंगे, ऐसे हम आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत भी तो आप जरूर जानते होंगे। अब देखो ये जो है ना आउटर मोस्ट लाइनिंग लेयर है, और ये क्या करता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाहर पाया जाता है। इसमें आपका ये जो बना होता है, इसका जो बनावट होता है वो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम का बना होता है। इसके जस्ट बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना एनिमल टिश्यू ही देख लें, क्योंकि हमको लग रहा है कि बार बार एनिमल टिश्यू का शब्द जो आ रहा होगा अधिकांश बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़े हैं कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो हम सबको एक साथ करने के लिए पहले एनिमल टिश्यू इसके बाद देख लेते हैं। ये आपका सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम का बना होता है, जिसका ओरिजिन जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, और ये जो होता है आपका पतला सा लेयर होता है कनेक्टिव फाइबर्स का, उसी के ऊपर पाया जाता है। तो ये आपको अभी हम बता रहे थे सीरोसा के बारे में, और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंटेस्टाइन का, क्या बाबू, इंटेस्टाइन का दीवार के बारे में पढ़ रहे थे। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई समस्या हो, ये महसूस होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है सबसे अंदर का लेयर है ना आपके इंटेस्टाइन में, और जो सबसे अंदर का लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यूकोसा बोल रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो इंटेस्टाइन में सबसे अंदर का जो लेयर है उसका नाम है म्यूकोसा, उसके बाद जो आपका दूसरा लेयर है उसका नाम हो जाएगा क्या, सब म्यूकोसा, आपका तीसरा जो लेयर है उसका नाम है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और चौथा जो लेयर था उसका नाम था सीरोसा। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका, हम यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा फिर से हम लेना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ही बात ध्यान देना है कि डियोडिनम जो होता है उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो सब म्यूकोसा में होते हैं, बनते तो हैं म्यूकोसा में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डियोडिनम के, लेकिन रहते कहाँ हैं, सब म्यूकोसा में, ठीक है। जबकि स्टोमक वगैरह जो और स्टोमक है या और जो दूसरे आपका पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसका जो ग्लैंड होता है वो आपका म्यूकोसा में ही रहता है। तो यहाँ बना है और आ गया है कहाँ पर, देख लीजिए, वो आ गया है सब म्यूकोसा में। ये कुछ बात का बात करते हैं, आपके मन में आ रहा हो कि ये नर्व प्लेक्सस क्या है। नर्व प्लेक्सस जो है ना वो नर्व फाइबर्स का नेट होता है, ध्यान रखिएगा, ये नर्व फाइबर्स का जो नेट है, नेट मतलब जाल है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नर्व प्लेक्सस। कहीं भी नर्व का जाल जो पाया जाता है, नर्व फाइबर्स का मतलब न्यूरॉन्स के जो जाल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व प्लेक्सस कहते हैं। ये जो नर्व प्लेक्सस होता है हमारे गट के एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पर भी पाया जाता है, और इसका निर्माण होता है ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर से या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट से। आप थोड़ा बहुत भी अगर जानते होंगे नर्वस सिस्टम में, तो नर्वस सिस्टम को हम लोग जो है ना कई भाग में बांटते हैं, उसमें से दो प्रमुख था, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके मन के आधार पर काम नहीं करता, मतलब आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, किसको, ऑटोनॉमिक नर्वस टिश्यू को या नर्वस सिस्टम को। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके मन से नियंत्रित नहीं होता, जबकि वॉलंटरी जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके मन से क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि नर्व प्लेक्सस अगला बात है इसमें पढ़ने वाला, और वो क्या है, नेट होता है नर्व फाइबर्स का जो कि हमारे गट के दीवार पर पाया जाता है। ये बना होता है ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स का, मतलब वैसे सिस्टम का बना हुआ है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बना हुआ है, हमारे मन के अनुसार ये काम नहीं करता है। और ये दो प्रकार का होता है नर्व, जो प्लेक्सस होता है नर्व्स का जो नेट होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। पहला है ऑर्बिक प्लेक्सस, ऑर्बिक प्लेक्सस ये साइंटिस्ट के नाम पर है, सबका सब जो इनको खोजा, जिन्होंने इन दोनों को खोजा है उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा, ऑर्बिक प्लेक्सस। और एक है मिजनर्स प्लेक्सस, ऑर्बिक जो प्लेक्सस होता है उसी को हम लोग मायोइंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका मस्कुलरिस एक्सटर्ना में पाया जाता है,
और रहता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स के जो आपका लेयर था उसके बीच में। फिर से बोलते रहे, और बैक प्लेक्सस जो होता है इसी को मायो इंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। मायो मतलब मसल्स, इंट्रिक मतलब बीच में, मायो इंट्रिक प्लेक्सस मतलब वैसा नर्व्स का जाल जो आपका हमारे इंटेस्टाइन के दीवार पर मसल्स जो फाइबर लेयर था उसके बीच में पाया जाता है। तो इसमें लिखे हैं कि ये मस्कुलेरिस एक्सटर्ना में पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स के बीच में। ये क्या करता है, मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है गट के दीवार का। और मस्कुलर मूवमेंट कौन सा होता है, तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो मसल आपके जो जो आपका गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें कुछ इनवॉलंटरी जो है ना आपका गतिविधियां होती हैं और मूवमेंट होता है जिसको हम लोग पेस्टॉल्सिस कहते हैं। पेस्टॉल्सिस जो है वो आपका क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है किसका भाई, इंटेस्टाइन के वाल का। इसको हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए हम ज्यादा इस पर जोर नहीं डाले, लेकिन अगर आपको आपको थोड़ा दिक्कत होगा तो पूछ लेना, कुछ नहीं है। कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहीं पर क्या होता है, डायलेट करता है ना वो आपका, कहीं पर आपका सिकुड़ता है तो कहीं पर क्या होता है, फैलता है, जैसे केचुआ वगैरह में देखते हैं। हाँ, उस तरह से रिदमिक जो है ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है किसके, इंटेस्टाइन में। तो इसको कहते हैं हम क्या भाई, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जो है ना ओसोफेगस से लेकर आपका ये रेक्टम तक जाता है। यहां पर ध्यान यही रखना है कि पेरिस्टाल्सिस जो होता है, रिदमिक मूवमेंट जो होता है, इसी के कारण हमारा जो फूड आइटम है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है। पहले लोग समझते थे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है, लेकिन जब वो लोग अंतरिक्ष में गए या चंद्रमा वगैरह पर गए तब उनको समझ में आया कि नहीं यार, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ग्रेविटी नहीं है भोजन के मूवमेंट के लिए, बल्कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और है। तो बाद में देखा गया कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है गट के दीवार पर, जिससे भोजन जो है ना आपका आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो आपका पेरिस्टाल्सिस है वो आपका कंट्रोल होता है ऑर्बेक्स प्लेक्सस के द्वारा। अगला है मिजनर प्लेक्सस, दूसरा जो है मिजनर प्लेक्सस है, ये आपका सब म्यूकोसा में होता है और इसलिए इसको सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी कहते हैं। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बना होता है, ठीक है, नर्व फाइबर्स का बना होता है। और ये क्या करता है, सिक्रीशन जो भी आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कहाँ से, गट के दीवार पर जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशन को हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। और उनका जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है कौन, मिजनर प्लेक्सस। पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है ऑर्बेक्स प्लेक्सस, और जो आपका सिक्रीशन है डाइजेस्टिव एंजाइम का उसको कंट्रोल करता है कौन, मिजनर प्लेक्सस। अब यहाँ पर दो चीज यहाँ पर दिमाग में रखना है, एक तो है कि सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड कौन कंट्रोल करेगा, मिजनर प्लेक्सस। पेरिस्टाल्सिस कौन कंट्रोल करेगा, ऑर्बेक्स प्लेक्सस। ये दोनों को ध्यान रखना है और इसका पोजीशन ध्यान रखना है। ये जो ऑर्बेक प्लेक्सस है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स लेयर के बीच में। मिजनर प्लेक्सस जो होता है वो सब म्यूकोसा में होता है, ठीक है। अब यहां पर एक आया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ का नर्व फाइबर्स है ना, नर्व फाइबर से तो सिस्टमिक नर्व क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकलता है, क्या है थोड़ा सा हम इसको बताना चाहेंगे या बता देंगे। देखो आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो नर्वस सिस्टम में दो बात आता है, अभी हम आपको बता रहे थे ऑटोनॉमिक और कौन आ रहा था, वॉलंटरी। ऑटोनॉमिक में भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑटोनॉमिक भी जो है ना दो प्रकार में बांटा जाता है। आधार क्या है कि वो जो है ना क्या काम कर रहा है, एक है सिंपैथेटिक एक पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है ना हमको फियर, डर जाते हैं अगर हम, या हम गुस्सा हो जाते हैं, एंगर या फियर जब होता है ना तो उस समय जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को एक्टिवेट करता है, उसके गतिविधियों को बढ़ा देता है कुछ एक ऑर्गन का, जिससे हमको काफी ज्यादा एनर्जी मिलता है और हम फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर से बोल रहे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये हमको हमारे बॉडी को क्या करता है, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है।
हम अभी इसको पढ़ाए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप लोग में से ढेर सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम इसको दोबारा बता रहे थे फिर से। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ध्यान रखना है, ये क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और ये करता क्या है, बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है, और मेनली कब काम करता है, जब हम फियर में हो या जब हम किसमें हो बाबू, एंगर में हो, चाहे तो हमको डर हो जाए चाहे हमको गुस्सा हो जाए। इसे देखना, कई बार आप लड़ाई जब करते हैं लोग, तो लड़ाई वगैरह जहां पर होता है वहां पर जो है ना कुछ उठा के पटक देना, किसी के साथ मारा पीटी सब कुछ कर लेना, और बाद में ये बात करते हैं कि हमको समझ ही में नहीं आया कि इतना ताकत आ कहां से गया। इवन अगल बगल का जो लोग होते हैं, उसको जो जानने वाले लोग होते हैं, वो भी बोलते हैं कि इसके पास इतना ताकत आया कहां से। ये जो ताकत का बात कर रहे थे, ये जो एनर्जी का बात कर रहे थे, ये एनर्जी आता है आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम करने से। लेकिन दूसरा था पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, किसका भाग है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग है। ये जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, बॉडी को सोलेस देता है, शांति देता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सोचते समझते नहीं है, सिर्फ जो है ना एक्शन करते हैं, जबकि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आप लोग में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि अच्छा कौन है, तो देखो अच्छा दोनों है। अगर दोनों बैलेंस है आपके बॉडी के अंदर, तब आपका बॉडी नॉर्मल काम करता है। अगर कोई भी एक ज्यादा हो जाए, ज्यादा क्या हो, एक्टिव हो जाए, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आपके बॉडी के जो है ना, जैसे हार्ट बीट हमेशा बढ़ा रहेगा, अगर पैरासिंपैथेटिक जो है ना नहीं काम किया ठीक से। तो सिंपैथेटिक अगर काम करेगा ज्यादा, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपके रिस्पायरेशन के रेट बढ़ जाएंगे, आपका डाइजेशन रुक जाएगा, ठीक है, यूरिनेशन रुक जाएगा, तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगेंगे, कब्ज वगैरह होने लगेगा। ये अगर बार बार जो गुस्सा करता है लोग, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसका ज्यादा काम करता है, उसको कब्ज का समस्या हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है। तो खैर, ये हम बात करना चाह रहे थे कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो चूंकि यहां पर बार बार बात आ रहा था, तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो मिजरल प्लेक्सस है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का बना होता है, और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं हमारे गट में उसको कंट्रोल करता है, और इसीलिए जो भी आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं हमारे सोचने से नहीं निकलते हैं, बल्कि खुद ब खुद वो काम करते हैं, हमारे मन पे वो काम नहीं करते। चूंकि आपको बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे मन के अनुसार काम नहीं करता है। अगला है जो हम लोगों को एक सेवेडिक पढ़ना है, वो है हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज या वेरिएशंस ऑफ आवर गट, है ना। हमारे गट में वो जो टिश्यू का अरेंजमेंट है, उसमें कुछ जो परिवर्तन है, जो अंतर है, एबनॉर्मलिटीज है, उसको यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है उसमें एडवेंटिटिया। एडवेंटिटिया किसको कहते हैं, ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है ओसोफेगस का, ठीक है, और आपका थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे ये पाया जाता है, सॉरी जस्ट ऊपर पाया जाता है, एबव है ना, जस्ट ऊपर पाया जाता है। तो जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे थे, सिरोसा जो है, सिरोसा अभी आप पढ़े कि सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, किसका भाई, इंटेस्टाइन का। अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि इंटेस्टाइन को चार लेयर में बांटा जा सकता है, सबसे अंदर का म्यूकोसा, सेकेंड है अंदर से बाहर की तरफ सब म्यूकोसा, तीसरा है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, चौथा क्या था, सिरोसा। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं एडवेंटिटिया का, ये सिरोसा के एब्सेंट में होता है। तो ओसोफेगस जो होता है उसका आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिटिया कहते हैं। क्यों भैया, क्योंकि ये सिरोसा से अलग होता है। क्यों, क्योंकि आपका ओसोफेग, ये जो आपका थोरेसिक कैविटी है, उसके बाहर जब हम जाते हैं, मतलब चेस्ट रीजन से ऊपर इस रीजन में जाते हैं जहां पर चेस्ट रीजन समाप्त हो रहा है, तो वहां पर आपका पेरिटोनियम नहीं पाया जाता, इसलिए उसको सिरोसा नहीं कह रहे। अगला है गैस्ट्रिक पीट। दूसरा, गैस्ट्रिक पीट क्या है, गैस्ट्रिक पीट जो है ना फाइव डिफ्रेशंस है जो कि लाइनिंग सरफेस पर पाया जाता है स्टोमक का, और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को रिसीव करता है। कौन, गैस्ट्रिक पीट। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि गैस्ट्रिक पीट होता कैसा है, ये तो मने मने का बात है ना। तो अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे गैस्ट्रिक पीट के बारे में, ठीक है। गैस्ट्रिक पीट जो है आपको हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, और ये एक मिनट, पीट के लिए ये फिगर देख लो, हाँ
ये फिगर से आपको इसको क्लियर आप गैस्ट्रिक पीट के बारे में समझ सकते हो। देखिए ये जो गैस्ट्रिक पीट है इसमें आप देखिएगा कि ये जो आपका एक क्या था स्टोमक था, स्टोमक के दीवार को जब अंदर से काटा जाता है, देखो एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना उसको बाहर निकाले हैं, तो ये गैस्ट्रिक देख लो कैसे सजा हुआ है, उसमें लेयर्स जो है कैसे सजे हुए हैं। और देखो मैं ये क्या है मायो एंटेरिक जो है ना प्लेक्सस का भी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गैस्ट्रिक पीट का क्या स्थिति है, छोटे छोटे छिद्र हैं, किसके दीवार पर होते हैं स्टोमक के दीवार पर छोटे छोटे जो है ना वो पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उसी को गैस्ट्रिक पीट्स बोलते हैं। और इस गैस्ट्रिक पीट को जो है ना जब आप इसमें घुसोगे गैस्ट्रिक पीट्स में तो देखोगे कि ये जो है ना अंदर में आपका एक ग्लैंड है इसके अंदर में, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो तीन प्रकार के सेल्स को रखते हैं, तो जो भी आपका सेल्स पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के रूप में वो सारा का सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल्स जो है ये गैस्ट्रिक पीट के अंदर होता है। मतलब गैस्ट्रिक पीट होता क्या है तो आराम से बता सकते हो कि गैस्ट्रिक पीट जो है वो छेद या पोर होता है जो पाया जाता है स्टोमक के दीवाल पर। तो स्टोमक के जो वाल होता है उस पर आपका पोर्स पाया जाता है, ठीक है। ये पोर्स जो है वो अंदर में जाकर मिलते हैं किसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कई प्रकार के सेल्स होते हैं जिसमें पेराइटल सेल्स हैं, चीप सेल्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप गैस्ट्रिक पीट समझ लो और कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है सो समझ लो। तो गैस्ट्रिक पीट्स आराम से एकदम समझ गए होंगे। गैस्ट्रिक पीट्स जो हैं वो म्यूकोसा के रीजन से जो आपके ग्लैंड्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो आपके स्टोमक के अंदर के दीवार पर खुलते हैं, लेयर पर खुलता है, वहां पर कुछ छेद पोर्स नजर आते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक पीट्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे गैस्ट्रिक पीट का वो हो गया, इसको थोड़ा सा साफ करना ही था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वो आपका है तो रियली में आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन को बताता है। तो पहला हम लोग पढ़े थे एडवेंटिटिया के बारे में, एडवेंटिटिया बताया आपको, दूसरा आपको क्या बताया भाई गैस्ट्रिक पीट्स के बारे में बताया, और तीसरा जो आपका पढ़ना है वो है ऑब्लिक मसल्स के बारे में। जो आपका ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा जो है ना आपका कुछ हट कर है, एबनॉर्मलिटी है, मैंने सब जगह पर नहीं पाया जाता है। ऑब्लिक मसल जो होता है वो सिर्फ स्टोमक के दीवार पर होता है, ऐसा आपको हम बताए थे। बाकी जो भी आपका इंटेस्टाइन के कहीं भी चले जाइए मस्कुलरिस एक्सटर्ना में तो सिर्फ दो ही लेयर पाया जाता है, एक सर्कुलर लेयर मसल्स लेयर और दूसरा क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। लेकिन ये जो आपका स्टोमक है, स्टोमक के जो आपका सबसे अंदर का लेयर अगर बोलो जिसको सर्कुलर मसल लेयर बोल रहे थे, उसके अंदर में पाया जाता है एक और लेयर जिसका नाम है ऑब्लिक मसल्स। और ये शायद आपको हम पहले भी दिखाए होंगे, अगर याद नहीं आ रहा है तो हम एक फिगर बनाए होंगे, थोड़ा सा याद आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पर है ये, हाँ इस फिगर में आप देख सकते हो, देखो सबसे ऊपर का जो लेयर है, सबसे बाहर का लेयर जो है ना वो क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, उसके बाद दूसरा जो लेयर है अंदर की तरफ मस्कुलरिस एक्सटर्ना का बात कर रहे थे, यहाँ पर सेकेंड जो लेयर था वो आपका सर्कुलर लेयर था, और सबसे अंदर में देखिए ये अंदर का लेयर है ना, ये लेयर बाय लेयर अंदर हटाते गए हैं लोग, सबसे अंदर का जो लेयर है वो है ऑब्लिक मसल। ये जो ऑब्लिक मसल्स है इसका बात अभी हम यहाँ पर कर रहे थे। तो ऑब्लिक मसल्स क्या करता क्या है, तो उस दिन भी आपको हम बताए थे, याद करो कि ऑब्लिक मसल्स जो है वो आपका चर्निंग मूवमेंट में मदद करता था, इसको एक तरह से स्टोमक को जो है ना वो आपका आड़े तिरछे हिलाने में मदद करता था। और इससे फायदा क्या होता था कि आपका जो भोजन का जो पार्ट था उसका मूवमेंट ठीक से हो पाता था और वो मिल पाते थे उसके साथ साथ, किसके साथ मिल पाते थे आपका गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल पाता था, और कुछ मैकेनिकल जो है ना उसका डाइजेशन भी हो पाता था। तो ऑब्लिक मसल्स कहाँ पाया जाता है, ऑब्लिक मसल्स आपके स्टोमक के दीवार पर पाया जाता है, और सर्कुलर मसल फाइबर्स के अंदर में पाया जाता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना में।
अगला जो बात कर रहे थे इसका क्या काम है, ये चर्निंग मूवमेंट देता है स्टोमक के दीवार पर, और जिसके चलते क्या होता है हमारा जो भोजन होता है उसका ठीक से मिक्सिंग हो पाता है, किसके साथ, आपस में भी और उसके साथ भी गैस्ट्रिक जूस के साथ भी, प्लस मैकेनिकल कुछ डाइजेशन भी, अगर हिलाएंगे हम तो क्या होगा कुछ टुकड़ा के रूप में भी टूटेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, लोग हमेशा जो है ना बात करते हैं कि अलग अलग खाना खाना चाहिए और वो क्या है टेस्ट लेके ये लेके, देखिए सब सारा का सारा भोजन जो है आपका स्टोमक में जब पहुँचता है ना तो मिला के खिचड़ी बनाया जाता है, वहाँ पर भोजन को पूरे के पूरे सारे के सारे भोजन को एक साथ मिला कर जो है ना वो आपका बढ़िया से मिलाया जाता है, कि ऐसा नहीं कि कहीं पर जो है ना एसिडिक भोजन ज़्यादा हो जाए, कहीं पर बेसिक भोजन ज़्यादा हो जाए, कहीं पर जो है ना कार्बोहाइड्रेट का एरिया ज़्यादा हो जाए, कहीं पर प्रोटीन का एरिया ज़्यादा हो जाए, इसके चलते पूरे के पूरे भोजन को ठीक से मिला दिया जाता है कि सब जगह का केमिकल कंस्टेंट भी सेम हो जाए, पीएच मान भी सेम हो जाए, इवन भोजन जो है ना हर जगह एक जैसा हो जाए, ये किया जाता है कहाँ पर, स्टोमक में। अगला है जो हम लोग को पढ़ना है आपका एब्नॉर्मलिटी में, वो है एपर्ट सेल के बारे में। एपर्ट सेल का पूरा नाम है एमीन प्रीकर्सर, ये ध्यान रखिएगा, एपर्ट सेल का पूरा नाम है एमीन प्रीकर्सर अपटेक डीकार्बोक्सिलेज सेल्स, ये ध्यान रखिएगा, एपर्ट सेल एमीन प्रीकर्सर अपटेक डीकार्बोक्सिलेज सेल्स। यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या करता है, पहले जो है ना इसको हम लोग आर्जेंटोफिन सेल्स बोलते थे या इंटेरोक्रोबाफिन सेल्स बोलते थे, चूंकि ये रंग जाता था। ये आपका मेनली स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है, मेनली है ना मुख्य रूप से ये पाया जाता है स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में, लेकिन आपके गट के एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे रीजन में भी ये पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता, लेकिन ज्यादा जो है ना ज्यादा अमाउंट में ये आपका किस रीजन में पाया जाता था, स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में। पाइलोरिक रीजन आपको हम बताए थे, ये देख लो, आपको हम बताए थे कि आपका जो स्टोमक होता है, स्टोमक का जो आपका बॉडी होता है, स्टोमक जो होता है उसको तीन भाग में बांटा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ऊपर का फंडस, बीच का बॉडी और नीचे का क्या है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। तो ये आपको हम पहले भी बताए हैं इसके बारे में, अभी फिलहाल हम फिर से आ रहे हैं वहां पर, कहां पर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है आपका एपर्ट सेल क्या काम करता है उस पर बात करें। इसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये था कि एपर्ट सेल रहता कहाँ है, तो अभी आपको दिखाया हम फिगर से कि स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में मुख्यतः होता है, लेकिन और पार्ट में भी होता है गट के। इसका काम क्या था, ये हार्मोन सिक्रीट करता था या हार्मोन लाइक सबस्टांस सिक्रीट करता था जिसका नाम था पाराक्राइन सबस्टांस। अब इसका काम क्या है वो आगे हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। आपके एलिमेंट्री कैनाल में ढेर सारा हार्मोन या हार्मोन लाइक सिक्रीशन होता है, उसके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनको हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे चल के। बात करते हैं नेक्स्ट में पैनेट सेल का। पैनेट सेल जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे पाया जाता है, मेनली क्रिप्स के बीच में विलाई के। क्रिप्स समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो जान लो, क्रिप्ट का मतलब होता है घाटी, हाँ गड्ढा जिसको बोले, अचानक जो एकाएक जो है ना गड्ढा हो जाता है उसको क्रिप्ट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हम जब भिलाई अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो भिलाई में हम देखते हैं, भिलाई के बारे में आपको हम पढ़ाए ही हैं, भिलाई में देखिएगा, भिलाई जो होता है उसमें बीच बीच में जो है ना, देखो ये भिलाई है, बीच बीच में देखो ये है आपका गड्ढा जैसा कुछ कुछ, कहाँ पर, म्यूकोसा के दीवार पर। तो ये जो आपका ये जो गड्ढा जैसा है इसी को क्रिप्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्रिप्ट के बारे में यहाँ पर करके फिर से हम आ जाते कि ये जो क्रिप्ट होता है उसी में आपका क्रिप्ट जो होता है इसी में आपका क्या पाया जाता है, पैनेट सेल पाया जाता है। ये करता क्या है, तो आपका बैक्टीरिया जो होता है उसके संख्या को नियंत्रित करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको जानकार सर्च होगा सबसे ज्यादा जो है ना इसकी संख्या, पैनेट सेल की संख्या जो है ना वो पाई जाती है इलियम में, कहां पर, सिकम के तरफ, सिकम में जाके जो इलियम खुला था वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और यहां से यहां पर इस रीजन में ज्यादा पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे जैसे यहां से हम दूर जाते हैं
पैनेट सेल की संख्या जो है ना वो कम होती जाती है, तो लोगों का कहना है शायद इसका रीजन ये होगा कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया जो है, आप शायद जानते होंगे, कल भी हम आपको बोले बताए होंगे पहले भी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। हाँ, तो उन बैक्टीरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से रोकने का काम शायद पेनिसिलिन करता होगा। ये करता क्या है कि उसको खा जाता है, बैक्टीरिया को खाकर समाप्त करता है। प्लस लाइसोजाइम इंजाइम भी देता है, एक इंजाइम है पार्टिकुलर लाइसोजाइम इंजाइम, और वो लाइसोजाइम इंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वाल को फाड़ देता है, और सेल वाल को फाड़ने के कारण बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है। आप ऐसे देखे होंगे शायद थोड़ा बहुत भी, आपके पास अगर टायर होगा, गाड़ी होगा, या फिर जो है ना आपके पास साइकिल वगैरह होगा, तो देखे होंगे कि उसका जो बाहर का कवरिंग होता है हार्ड, जिसको टायर बोलते हैं, अगर वो फट जाए, वो कमजोर हो जाए, तो ट्यूब क्या होता है, फट जाता है और आप बर्बाद हो जाता है टायर, आपका पूरा गाड़ी का चक्का जो है सो। यहाँ भी यही स्थिति है, बैक्टीरिया का सेल वाल को तोड़ने का काम जो है ना ये करता है कौन, पेनिसिलिन, अपने लाइसोजाइम के सिक्रीशन देकर या फिर उस अपने अंदर उसको लेकर समाप्त करके। तो खैर पेनिसिलिन के बारे में हम बता दिए, ये क्या करता है, ये आपके बैक्टीरिया की संख्या को नियंत्रित रखता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसका इलियम में होता है, कहाँ के तरफ, जहां पर इलियम जाकर कहाँ मिलता है, सिकम से मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है। अगला है इंटेरोसाइट्स या इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्टिव सेल। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्टिव सेल जो है, या जिसको हम लोग इंटेरोसाइट्स कह रहे थे, ये लंबा कॉलुनर सेल्स होता है जिसपे माइक्रोविलाई पाया जाता है, किस पर, एपिकल रीजन पर। अब माइक्रोविलाई क्या है ये अभी हम बताने वाले हैं, देखने वाले हैं। ये क्या करता है, आपके इंटेस्टिनल जो विलाई होता है उसको ये बनाता है या उसका लाइनिंग करता है, कौन, इंटेरोसाइट्स या इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स। इसके चलते जो है ना आपका एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाता है, किसका, इंटेस्टाइन का, और काफी गुना बढ़ जाता है। आपको हम आगे बताने वाले हैं, बताएंगे कि कैसा होता है और कैसे बढ़ता है। यहां पर थोड़ा सा इसको देख लो, इस फिगर को थोड़ा सा देख लो, ये जो फिगर है ये आपका इंटेस्टाइन को यहाँ पर फाड़ के देखा गया है। और अगर आप लोग थोड़ा मीट मछली खाते होंगे तो मीट जब खाते होंगे तो उसमें इंटेस्टाइन को उलट के भी देख सकते हो वहां पर, और नहीं खाते तब भी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल करने में क्या दिक्कत है, जहां पर कट रहा होगा वो छोटे जानवरों को जहां पर काटा जाता है उनका इंटेस्टाइन बगल में रखा रहता है, उसको आप देख सकते हो उलट के, तो आपको ये जो है ना ऐसा कुछ नजर आएगा। और उसको अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास साथ में ले जाओगे और देखोगे तो ऐसा कुछ आपको नजर आने लगेगा। तो ये विलाई क्या है, देख लो यहाँ पर फिंगर लाइक आपका प्रोजेक्शंस है जो आपका म्यूकोसा से निकला है, ठीक है। ये जो आपका विलाई देख रहे थे आप, विलाई क्या, ये जो सेल देख रहे हो, लंबे लंबे सेल्स देख रहे हो इसके, देखो ये जो सेल्स है इसी का नाम है एब्जॉर्प्टिव सेल, या इसी के बारे में अभी वहां हम बता रहे हैं। इसमें से एक सेल को देखो बाहर कर दिए हैं, ठीक है, ये जो बाहर किए हैं एब्जॉर्प्टिव सेल को, ये यहाँ पर तो दो नजर आ रहा है इधर से, ये एब्जॉर्प्टिव सेल को बाहर किए हैं, इसके फ्री सरफेस पर देख लो, स्वतंत्र जो ऊपरी जो सतह है उस पर देख लो, कुछ आपका क्या लग रहा है, कुछ आपका माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वो आपका इलोंगेशंस है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोविलाई कर रहे हैं। ये आपका माइक्रोविलाई का एरिया है, ये माइक्रोविलाई का एरिया है, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव सेल के सतह पर पाया जाता है। एब्जॉर्प्टिव सेल कहाँ होता है, विलाई का लाइनिंग लेयर है, ठीक है, उस पर पाया जाता है। तो हम अभी बात कर रहे थे कहाँ पर, इंटेरोसाइट्स पर और इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स पर। ये क्या है, कॉलुमनर सेल्स है, टॉल होता है, लंबा होता है, और माइक्रोविलाई होता है, ये इंटेस्टिनल विलाई पे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाना, किसके, इंटेस्टाइन का। अगला जो रचना है उसका नाम है प्लीका सर्कुलेयर्स। ये जो प्लीका सर्कुलेयर्स का बात करते हैं, ये प्लीका सर्कुलेयर्स को ही हम लोग वाल्व ऑफ कर्क क्या कहते हैं, वाल्व ऑफ कर्क्रिंग्स कहते हैं, कर्क्रिंग कहते हैं। ये जो होता है सर्कुलर फोल्ड होता है,
जो आपका म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों से आपका बनता है। ध्यान रखिएगा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों लेयर जो है ना उससे ये बनता है, कौन? प्लीका सर्कुलेयर। अब होता कैसा है वो अभी हम फिगर से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको देख लेते हैं कि इसमें बात क्या क्या था। ये सर्कुलर फोल्ड होता है, इसमें आपका म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों रीजन आ जाता है। ये आपका दो तीन काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि जो पचा हुआ भोजन जो मूव कर रहा था किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके मूवमेंट को स्लो डाउन करता है, मतलब गतिविधि को कम करता है। अभी आप थोड़ा सा भी अपने घर में या अगल बगल में कहीं पे आपको अंदाज होगा, जो जिसका सतह ज्यादा चिकना होता है वो क्या होता है, वहां पर कोई वाटर डाल दो, वायर डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो देखते हो बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर उसको रुखड़ा बना दिया जाए, रफ बना दिया जाए, तब क्या होता है कि वहां पर जो मूवमेंट होता है वो आपका धीमा हो जाता है, हाँ, रुकता है। तो यहां भी ये जो आपका होता है प्लीका सर्कुलेयर्स, इसका पहला काम ये है कि जो पचा हुआ भोजन या अनपचा भोजन का जो समूह है, पचा और अनपचा भोजन का, वो वहां पर जो है ना काइम कहलाता है, वो तेजी से, चूंकि लिक्विड फॉर्म में वो बदल जाता है, तो बहुत तेजी से जो है ना आपका इंटेस्टाइन में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, नली में मूव करता है, उसको ये क्या करता है, धीमा करता है, गतिविधियों को उसका धीमा करता है, मूवमेंट को, और साथ ही साथ ये क्या करता है, काइम को जो है ना इंटेस्टिनल जूस के साथ मिलने में मदद करता है, ताकि उसका डाइजेशन ठीक से हो सके। उसके बाद तीसरा जो इसका काम है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इससे फायदा क्या होता है कि ये जो है इसका एब्जॉर्प्शन करने का क्षमता जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा एक फिगर से दिखाना चाह रहे हैं कि प्लीका ये आपका सर्कुलेयर्स कहाँ है, या बल्ब ऑफ कर, ये जो आपका करक्रिंस बोल रहे थे वो कहाँ पर है। देखो ये है आपका प्लीका सर्कुलेयर्स, देखो ये है, देख लो यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर जब जाते हैं हम लोग तो वहां पर जो है ना वो आपका फोल्ड फोल्ड जैसा होता है, जैसे छाता में फोल्ड होता है ना, उस तरह से फोल्ड फोल्ड टाइप का यहाँ पर पाया जा रहा है, और इस फोल्ड को ही हम कहते हैं प्लीका सर्कुलेयर्स या प्लीकी सर्कुलेयर्स। अगर अगर आप बात करोगे प्लूरल में तो सर्कुलेयर्स हो जाएगा प्लीकी करके। ये जो प्लीकी सर्कुलेयर्स है इसी पर पाया जाता है कौन आपका, तो प्लीकी सर्कुलेयर्स पर पाया जाता है भिलाई। भिलाई म्यूकोसा से बनता है, प्लीकी सर्कुलेयर्स जो थे वो बनते हैं किससे, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों के मिलने से बनते हैं, दोनों का है ये पार्ट। और उसी पर पाया जाता है कौन, भिलाई। भिलाई पर कौन पाया जाता है, एब्जॉर्प्टिव सेल। एब्जॉर्प्टिव सेल के सतह पर कौन पाया जाता है, माइक्रोविलाई। समझ लो कितना ज्यादा इसका जो है ना एरिया बढ़ाया जा रहा है। अगर ये प्लीका सर्कुलेयर्स नहीं होता, देखो यहाँ पर ये प्लीका सर्कुलेयर्स अगर नहीं होता तो क्या होता, इतना दूर ही एरिया बचता, और उसके लेकिन प्लीका सर्कुलेयर्स के कारण देखो एरिया इतना ज्यादा बढ़ गया यहाँ पर। अब ये जो एरिया में वृद्धि हो रही है यहाँ पर प्लीका सर्कुलेयर्स के कारण, उसको और ज्यादा बढ़ाया कौन, भिलाई। देखो भिलाई उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, और उसको भी और ज्यादा बढ़ाया कौन, माइक्रोविलाई। तो आपको अगर हम लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो कहीं पर नोट कर लेना कि इन इन तीनों के कारण आपका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो करीब करीब जो है ना बढ़ जाता है 200 मीटर तक हो जाता है, 200 मीटर स्क्वायर हो जाता है, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाता है, 200 मीटर स्क्वायर हो जाता है किसके कारण, तो ये प्लीकी सर्कुलेयर्स के कारण, फिर भिलाई के कारण और माइक्रो भिलाई के कारण। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का जो सतह है उसकी उसका एरिया कितना हो जाता है, करीब करीब 200 मीटर स्क्वायर हो जाता है। और 200 मीटर स्क्वायर का मतलब आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, दो मंजिला मकान का एरिया, उतना ज्यादा एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ा देता है ये प्रकृति। आपका इतना बढ़िया व्यवस्था की है आपके बॉडी का, अगर थोड़ा सा उसके बारे में आप समझ लो तो हमको तो नहीं लगता है कि कभी जो है ना डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा।
डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके गतिविधियों को आप जान लोगे, उसके काम क्रिया को जान लोगे, वो कैसे खराब हो सकता है सो जान लोगे और कैसे अच्छा हो सकता है सो जान लोगे, तो आपको जो है ना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेयर्स पैचेस का। पेयर्स पैचेस जो होता है वो क्या है, पेयर्स पैचेस जो है वो छोटे छोटे पैच होते हैं। पैच का मतलब होता है धब्बा। ऐसे पैच का हिंदी मतलब अगर आप जानना चाहो तो पेबंद बोल सकते हैं इसको, है ना। जैसे गांव वगैरह में अगर आप देखे होंगे तो लोग क्या करते हैं, वाल पर दीवार पर जो है ना वो गोइठा थूकते हैं, गोबर पर वो डालते हैं, वो आपका क्या है, पैचेज है। तो ऐसा ही कुछ पैचेज पाया जाता है लिम्फॉइड टिश्यू का, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर, और सबसे ज्यादा पाया जाता है इलियम के रीजन में। ये भी जो है ना ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, और शायद लार्ज इंटेस्टाइन से जो आना चाहता है बैक्टीरिया उसको क्या करता है, घुसने से स्मॉल इंटेस्टाइन में रोकता है। ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स को बनाता है, अर्थात हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इसको पेयर्स पैचेस को भी ध्यान में रखना है। ये लिम्फोइड टिश्यू है, ये पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन सबसे ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होता है कहाँ पर, इलियम के क्षेत्र में। और इसका काम क्या है, लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को बनाना, आगे पढ़ेंगे हम बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह, तो उसको बनाने का ही साइट होता है पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ध्यान रखना है। और ये इम्यूनिटी देता है, रोगों से सुरक्षा देता है। अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो है ना, रियली में गॉबलेट ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ये सिंगल सेल्स होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, और मेनली जो है ना आपका लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये देखा गया है। इसके बारे में यही ध्यान में रखना है आपको कि ये क्या है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड है, और कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होती है किसमें, आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं वो बात है आपका मेजेंट्री का। मेजेंट्री जो है ये अलग चीज है, यहाँ तक हम लोग जो है ना कुछ नौ गो एबनॉर्मेलिटीज या वेरिएशन जो था उसको आपको हम दिखा दिए। अब हम बात करते हैं मेजेंट्री का। म्यूकस समझते हो ना, नेटा या खखार जैसा जिसको बोलते हैं हम, खखार उसको म्यूकस बोल रहे हैं। मेजेंट्री, मेजेंट्री जो होता है ना डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का। ये क्या करता है, गट को जो है ना बॉडी के वाल के साथ कनेक्ट करता है, और अर्थात कह सकते हो कि विसरल पेरिटोनियम को पेराइटल पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट करता है। विसरल हम फिर से बोल रहे हैं, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो देखो एक फिगर है, इससे समझ सकते हैं। ये देखो ये हो गया सबसे बाहर का दीवाल है, ये बॉडी वाल है, ठीक है, ये आपका बॉडी वाल है। ये जो बॉडी वाल है उसके और ये बीच में ये आपका गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, इन दोनों के बीच में जगह है, इसी जगह को हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। आपका लीवर, आपका ढेर सारा ऑर्गेन्स है, जैसे आपका लीवर के बाद और आ जाओ आप पैनक्रियाज, या और भी ढेर सारे ऑर्गेन्स में आ जाओ आप, ऊपर में आ जाओ अगर तो हार्ट वगैरह का बात अगर करते हैं, तो ये जो एरिया है ना इन्हीं एरिया में वो सब पाए जाते हैं। अब ये जो एरियाज हैं इसको ही हम लोग कह रहे थे सिलोम, बॉडी कैविटी को ही हम सिलोम कहते हैं। अगर ये जो बॉडी वाल है उसका लाइनिंग लेयर अगर क्या हो आपका, तो उसका लाइनिंग लेयर अगर हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन का पेरिटोनियम हो, तो इसको भी इसको हम क्या कहते, इसको कहते सिलोम। तो ये पेरिटोनियम है ना, मीजोडर्मल ओरिजिन के सेल्स का बना हुआ है, इसका नाम क्या है, पेरिटोनियम। और उसके बाद हम एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा करना चाह रहे हैं, लेकिन रुकना, ये हम दिखाना चाह रहे थे आपको बॉडी वाल का अंदर का जो ये जो लेयर ब्लैक से दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, ये दूसरा जो अंदर से लेयर नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसी का नाम है पेराइटल पेरिटोनियम। ये पेराइटल पेरिटोनियम का भाग है, मतलब है। और ये देखो ये गट था, एलिमेंट्री कैनाल था, गट के ऊपर में देख रहे होंगे एक लेयर दिखा रहे हैं ये वाला, ये लेयर, इसी को बोल रहे हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। ये है आपका विसरल पेरिटोनियम, ये वाला लेयर, ये विसरल पेरिटोनियम है।
और ये जो अंदर का लेयर है सेकेंड नंबर वाला जो बाहर से, ये आपको दिखा रहे हैं कौन, पेराइटल पेटोनियम। इन दोनों के बीच में जो है ना मेजेंट्री पाया जाता है। मेजेंट्री होता क्या है, तो दो आपका पेरिटोनियम लेयर का बना हुआ होता है, ये क्या करता है देख लो, आपके एलिमेंट्री कैनाल के साथ जोड़ के रखे हुए है किसको, बॉडी वाल को। और इसी के चलते हमारा जब हम दौड़ते हैं, जब हम उछलते हैं, तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल इधर से उधर मूव नहीं करता है, बल्कि अपने प्लेस पर या साइट पर बना रहता है। जरा सोचो, आपको अभी हम बता रहे थे कि बॉडी के अंदर एक कैविटी है, ये बॉडी के अंदर एक कैविटी है, और हम खाना खा के दौड़ रहे हैं तो क्या होता, आपका स्टोमक कभी इधर जाता कभी इधर जाता, आपका इंटेस्टाइन कभी इधर उलझता कभी इधर उलझता। आप सुने होंगे एक रोग है आंत का उलझ जाना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। ये क्यों कैसे होता है, ये तब होता है जब आपके इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, वो आपका जो सिलेवा ढंग से ऐसे ऐसे है, वो आपस में ऐसे उलझ जाता है, वो आपका जहां तहां ऐठा जाता है। ये कब होता है, जब आपका ये जो मेजेंट्री है ना वो कमजोर हो जाता है, और ऐसे ऐसा होने का चांस तब ज्यादा बनता है जब लोग अपने पेट को जो है ना वो बाहर से उसको मलवाते हैं। अभी गांव वगैरह में ज्यादा होता था ये पहले। इसका दो कारण माना जाता था गांव में होने का। पहला कारण तो ये माना जाता था कि लोग जो है ना बस वो आपको मलवाते थे, उसको बॉडी में तेल लगाने में इसको पेट को जो है ना कस के दबा के मलते थे। तो मलवाने के, पेट को मलने के दौरान में ये इंटेस्टाइन इधर से उधर मिल जाता था, हिल जाता था। और दूसरा क्या होता था कारण इसका, कि वो आपका अगर समय से जो है ना वो क्या बोलते हैं टॉयलेट नहीं जाए आदमी, तो क्या होगा, गैस जो है ना उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा इंटेस्टाइन में, और वो गैस जब बनता है तो इंटेस्टाइन को इधर उधर मूव ज्यादा करवाता है। तो इसी, इसके चलते भी इंटेस्टाइन क्या होता है, आपस में उलझ जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी किसके बारे में, मेजेंट्री के बारे में। तो मेजेंट्री क्या था, डबल फोल्ड था पेरिटोनियम का, जो कि गट को बॉडी वाल के साथ जोड़ता था, अर्थात विसरल पेरिटोनियम को किसके साथ, पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम आपको पता है बॉडी वाल के अंदर का लेयर था, और विसरल क्या बताया आपको, तो गट के ऊपर का लेयर था, है ना। ये क्या होता है, इसमें होता क्या क्या है, तो ब्लड वेसल्स होता है, कनेक्टिव फाइबर्स होता है, नर्व फाइबर्स होता है, और फैट सेल्स होते हैं जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। अगर अगर अभी अभी कभी भी आप मीट वगैरह खाते होंगे, तो वहां पर जब जाइएगा ना, तो जब काटा जाता है उसको, तो अंदर से इंटेस्टाइन निकलता है पूरा। देखिएगा अंदर में पूरा कैविटी होता है, अंदर में इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के ऊपर में देखिएगा वो थोड़ा हल्का पीला उजला टाइप का एक लेयर होता है, वही आपका मेजेंट्री है, ठीक है। उसी को लोग क्या बोलते हैं, कि वो जो है ना आपका क्या है, बसा का लेयर है। तो ध्यान रखिएगा, वो जो बसा का लेयर का बात हो रहा था, मतलब जिसको चर्बी लोग बोलते हैं अपने भाषा में, उसमें वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, और एडिपोसाइट सेल्स जो है ना वो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। अब मेजेंट्री जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक डॉर्सल मेजेंट्री और एक वेंट्रल मेजेंट्री। डॉर्सल का बात आपको हम पहले भी बताए थे कि डॉर्सल जब भी आए तो पीठ के तरफ का बात करते हैं, इधर पीछे के तरफ, बैक के तरफ, ठीक है। जिधर माउथ का सतह है उधर क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो जो ये जो एब्डोमिनल रीजन है आपका, ये जो चेस्ट रीजन जो आगे से नजर आ रहा है, ये क्या है, ये आपका वेंट्रल सरफेस है, और ये जो पीछे का ये है पूरा, ये सब क्या कहलाएगा, डॉर्सल। तो ये जो आपका चेहरा सब नजर आ रहा है, ये सब किस में आएगा, वेंट्रल में आएगा, और डॉर्सल में पीछे का आएगा। डॉर्सल मेजेंट्री कहाँ होता है देख लो, इट लाइज ऑन द मिड डॉर्सल रीजन, बीचों बीच डॉर्सल साइड में होता है, मिड बीचों बीच। इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल तक बना रहता है ये आपका, एक बार बनने के बाद खराब नहीं होता है। लेकिन जो वेंट्रल मेजेंट्री होता है वो मिड वेंट्रल रीजन में होता है, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनता है, और बनने के कुछ समय के बाद ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बारे में लोग बताते हैं कि इसका किसका शायद रोल ये है कि जो ऑर्गेन्स बन रहे थे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, वो कहाँ बनना है, उनका पोजीशन क्या होना है, इसको डिटरमाइन करता है, इसको ये डिफरेंट रूप में, उसको पैटर्न के रूप में अरेंज होने में मदद करता है, कौन, वेंट्रल मेजेंट्री। जबकि डॉर्सल मेजेंट्री जो है ना वो आपके पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल को एक अपने स्थान पर, प्लेस पर बनाए रखता है।
तो डॉर्सल मेजेंट्री जो है ना पूरे जीवन काल तक रहेगा, लेकिन वेंट्रल मेजेंट्री जो है ना एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनेगा और बनने के कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। कुछ समय के बाद समाप्त होने का रीजन क्या बता रहे हैं आपका, कि जो ऑर्गन्स हैं वो आपका आप पूरी तरह से जब डेवलप हो जाते हैं तो अपने स्थान पर आ जाते हैं। जैसे कुछ आपके आप देखे होंगे छोटा बच्चा को अगर कभी पढ़ाए होंगे या कभी देखे होंगे घर में अगर होगा आपका, तो दो चार पांच छोटा बच्चा है तो आपको दो चार बार उसको बैठाना पड़ता है कि पापा तुमको यहाँ बैठना है तुमको यहाँ बैठना है। लेकिन एक दो बार तीन बार बैठा दो चार बार बैठा दो तो बच्चे को ये आइडिया हो जाता है कि हमारा स्थान कहाँ है और उस बच्चे का स्थान कहाँ है। कुछ हद तक हमारे बॉडी के अंदर जो आपके विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं उनको भी शुरुआत में कहाँ पर बनना है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उनका पोजीशन कहाँ होगा, कैसा कहाँ किस जगह पर उनको रहना है, ये आपको कंट्रोल करता है कौन, वेंट्रल मेजेंट्री। ठीक है, तो आपको क्या बताया, मेजेंट्री बताया। मेजेंट्री में आपको क्या बताया कि पेट्रोनियम का बना हुआ फोर्स होता है जो विसरल पेट्रोनियम को जोड़ता है किसके साथ, पेराइटल पेट्रोनियम के साथ। और मेजेंट्री में आपको बताया कि डॉर्सल मेजेंट्री जो होता है बीचों बीच होता है बॉडी वाल के और किसका बॉडी कैविटी के, ये आपका डॉर्सल साइड को जोड़ता है किसके साथ, आपके एलिमेंट्री कैनाल के विसरल लेयर के साथ, या जिसको सिरोसा बोल रहे थे। प्लस वेंट्रल जो है देखो वो आपका क्या हो गया है, वो आपका जो शुरुआत में तो जुड़ा हुआ था लेकिन अब टूट गया है और सिर्फ जो है ना आपका ओमेंटा के रूप में पाया जाता है ये आपका ऑर्गन्स को रखे हुए, वेंट्रल समाप्त हो गया है, वेंट्रल आपको नजर भी नहीं आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो आपका थोड़ा सा नोट यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं। ठीक है, जो बात बोल रहे थे ना उसको थोड़ा सा नोट में किए हैं, थोड़ा सा देख लो कि जो प्लीका सर्कुलेयर्स था, प्लीकी सर्कुलेयर विलाई था, माइक्रोविलाई था, वो इंटेस्टिनल सरफेस एरिया को करीब 200 मीटर स्क्वायर तक बढ़ा देते हैं, ये बात लिखे हैं। उसके बाद लिखे हैं कि जो प्लीका सर्कुलेयर्स था वो आपका म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर से बनता है और करीब 1 सेंटीमीटर टॉल होता है। तो आपको फिर से बोल रहे हैं कि अगर कभी इन लोगों को देखने का मन हो तो आप क्या करना, जहां पर भी जो है ना वो जो आपका काटा जाता है बकरी को, मतलब बूचर खाना जहां पर है वहां पर आप जा सकते हो और जाकर उनसे इंटेस्टाइन का पार्ट ले सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ले सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट को लेकर उसको क्या करो, पेन घुसा दो उसमें और उलट दो उस पर, या डंडा घुसा के उसको उलट दो, तो क्या होता है अंदर वाला बाहर आ जाता है, बाहर वाला अंदर चला जाता है। ऊपर का सरफेस को छू के देखना जरा सा, तो बहुत चिकना होता है, वो क्या है सिरोसा का है, वही पेट्रोलियम है भाई। ठीक है, और उसके बाद जब उलट दोगे ना तो अंदर से घास जैसा कुछ निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना वहां पर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको प्लीका सर्कुलेयर्स, प्लीकी सर्कुलेयर्स, विलाई और माइक्रोविलाई को आराम से देख सकते हो, वहां पर आप देखा जा सकता है उसको। यहाँ पर लिखे हैं कि जब प्लीका सर्कुलेयर से म्यूकोसा सम्यूकोसा से बनता है, लेयर से बनता है और 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि विलाई जो होता है ना वो सिर्फ म्यूकोसा से निकलता है, ध्यान रखिएगा विलाई केवल म्यूकोसा से, जबकि प्लीकी सर्कुलेयर जो था वो म्यूकोसा और सम्यूकोसा दोनों लेयर उसमें है। हाँ, मस्कुलरिस एक्सटर्ना नहीं है, सिरोसा उसमें नहीं है, केवल दो लेयर म्यूकोसा और सम्यूकोसा दोनों लेयर से वो आता है उसमें कुछ पार्ट। ये जो विलाई है उसका आपका हाइट कितना होता है, 1 mm हाइट होता है, ये फिंगर लाइक होता है विलाई, और ये जो है ना ये आपका सर्कुलर है। ठीक है, ऐसे गोल गोल प्लेट नुमा है। अगला है माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो है ना वो भी आपको हम फिगर में दिखाए थे कि ये टीनी प्रोजेक्शन था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है, सोचो ये सेल से निकल गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किसका, एब्जॉर्प्टिव सेल्स का, किसका एब्जॉर्प्टिव सेल भी किसका भाई, तो म्यूकोसा, सबसे अंदर का लेयर कौन था, म्यूकोसा, और इसके चलते ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। पूछता है क्वेश्चन, पूछता है कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो अगर वहां पर ऑप्शन में माइक्रोविलाई दे देगा तो माइक्रोविलाई ही मारिएगा, विलाई मत मारिएगा, लेकिन अगर माइक्रोविलाई नहीं दिया हुआ होगा और विलाई ऑप्शन में होगा तो विलाई मारिएगा, क्योंकि विलाई पर ही माइक्रोविलाई है। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है और इसमें जो इसमें ढेर सारा इंजाइम्स होता है, वो जो माइक्रोविलाई बता रहे ना उसमें ढेर सारा फंसा हुआ इंजाइम्स होता है,
चूंकि ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है तो इसलिए इसके एंजाइम्स को ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहते हैं। और आप ब्रश समझ रहे हो ना, वो जो हम लोग टूथब्रश जिसको मुंह साफ करते हैं ना, तो उसमें कैसे ब्रिस्टल होते हैं, तो ब्रिस्टल जैसा एक कुछ नजर आता है, कौन, माइक्रोविलाई। ठीक है, जब देखोगे ना तो ब्रिस्टल जैसा नजर आएगा मैग्नीफाइंग ग्लास से, और इसलिए इसका हम लोग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोल रहे हैं। हाँ, ब्रश बॉर्डर जैसा नजर आ रहा है। ब्रश उसमें जो इंजाइम्स होते हैं उसके सेल्स के उसमें फंसे होते हैं, सेल्स से निकलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर इंजाइम्स। और इनका काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मुख्यतः डाइजेशन करते हैं। कुछ जो होते हैं ना आपका फैट का भी करते हैं, लेकिन मेनली जो इसमें इंजाइम्स होते हैं ब्रश बॉर्डर में आपका, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करने वाले। वो उसमें जैसे ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का भाग आता है उसको कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो सकता है या हो जाता है। अगला था ओमेंटा। ओमेंटा भी यहाँ पर हम देखे हैं, ओमेंटा देख लीजिए वो क्या किया है, विसरल जो पेरिटोनियम था उससे जोड़ा है किसको, ऑर्गेन्स को। यहाँ लेबलिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, लेबलिंग थोड़ा सा जो है ना वो सुधार का जरूरत था। आप जरा सा देख लो यहाँ पर जो है ना, ये है विसरल, ठीक है, ये जो है ना ये विसरल लेयर है पेरिटोनियम है, ये विसरल पेरिटोनियम है, ठीक है। और ये जो लटका हुआ जैसा जो नजर आ रहा है ये ऑर्गेन्स है, ये ऑर्गेन्स है, और उन्हीं को आपस में जुड़े हुए है, उसका नाम है क्या बाबू, ओमेंटा। तो ओमेंटा क्या है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ओमेंटा में हम क्या लिख रहे थे कि ये आपका ब्रोकन पार्ट है किसका, वेंट्रल मेजेंट्री का। हम आपको बताए थे उस समय भी कि वेंट्रल मेजेंट्री जो है वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, वो क्या हुआ, टूट गया है, और टूट कर ये ओमेंटा बना दिया है, जिससे क्या हुए आपके ऑर्गन्स जो है बॉडी के वो लगे हुए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे थोड़ा सा ओमेंटा में, ये आपका जो है ना हो गया। और ये क्या करता है, विसरल ऑर्गन को, विसरल ऑर्गन समझते हो, वैसे ऑर्गन जो आपके विसरा में पाए जाते हैं, विसरा मतलब कि सिलोम में, है ना, सिलोमी कैविटी के अंदर जो पाए जाते हैं ऑर्गन्स उनका नाम है विसरल ऑर्गन्स। लिवर आ जाएगा इसमें, ठीक है, वो इसमें है। अब है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बात करते हैं, तो ये आपका कुछ परिवर्तन वाला हिस्सा देख रहे थे हम, और प्लस ये भी देख रहे थे कि डाइजेस्टिव जो आपके डाइजेशन जो हम लोग में होता है कहाँ पर क्या होता है और कैसे वो आपका सजा होता है। आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं उनके सिक्रीशन को हम डाइजेस्टिव इंजाइम्स कहते हैं मेनली, या डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। उसमें कई प्रकार के इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन को पचाने वाला इंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला इंजाइम, फैट को पचाने वाला इंजाइम, न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाला इंजाइम। अच्छा, विटामिन को भी पचाने वाला इंजाइम होगा क्या, विटामिन को भी पचाने वाला इंजाइम होगा क्या? नहीं भाई, आपको हम शुरुआत में भी बोले थे जब हम ये शुरू किए थे चैप्टर, उसमें भी बताए थे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर विटामिन, मिनरल्स और वाटर का डाइजेशन नहीं होता, और जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उनका डाइजेशन करने के लिए कोई हमारे पास जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाते हैं वाटर के साथ अंदर घुस जाते हैं, या डाइजेस्टेड फैट के साथ अंदर घुस जाते हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर डाइजेस्टिव इंजाइम जो है ना मेनली प्रोटीन के लिए होंगे, फैट के लिए होंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए होंगे, और तो और न्यूक्लिक एसिड के लिए होंगे। अब यहाँ पर हम देखे हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो आपका केमिकल्स होता है जो डाइजेशन में मदद करता है, जिसको हम अभी डाइजेस्टिव जूस बता रहे थे। ये आपका दो प्रकार का होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि आपका गट के वाल पर पाया जाता है और क्या करता है, गट में सिक्रीशन देता है। वैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एलिमेंट्री कैनाल के दीवार पर पाए जाते हैं और अपना सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल या गट में देते हैं, वो हो गए एक तरफ। और दूसरा जो है ना वो क्या है, तो वो आपका गट के दीवार पर था, ये गट के दीवार पर नहीं है बल्कि गट के दीवार के बाहर है, आउटसाइड है ग्लैंड के रूप में, और क्या करता है, गट में अपना सिक्रीशन देता है। जैसे आप इसको देख लो लीवर को, तो लीवर कहां होता है, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर होता है, और सिक्रीशन कहां देता है,
एलिमेंट्री कनाल में देता है। पैनक्रियाज कहाँ होता है? एलिमेंट्री कनाल के बाहर होता है। सिक्रीशन कहाँ देता है? एलिमेंट्री कनाल में देता है। लेकिन जो भी इंटेस्टिनल ग्लैंड होते हैं, जैसे आपके कौन हो जाएंगे, जैसे आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएंगे, जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर पाए जाने वाले ग्लैंड हो जाएंगे, उन सबका सिक्रीशन जो है ना वो इंटेस्टिनल ल्यूमेन के अंदर आता है। और वो पाए कहाँ जाते हैं भाई? इंटेस्टाइन के दीवार पर पाए जाते हैं। तो खैर, तो ग्लैंड्स भी दो तरह का बताए। पहला जो ग्लैंड्स है उसका हम यहाँ पर पढ़ाई शुरू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं वैसे ग्लैंड्स का जो गट के दीवार पर होते हैं और अपना सिक्रीशन कहाँ देते हैं? गट में देते हैं। इसमें इसको हम लोग कम से कम चार तो प्रमुख है ग्लैंड जो आपके गट के एलिमेंट्री कैनाल या गट के जो है ना दीवार पे पाए जाते हैं और अपना सिक्रीशन किस में देते हैं? गट में या एलिमेंट्री कैनाल में देते हैं। उसमें जो पहला है उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और तीसरा है ब्रूनर्स ग्लैंड, चौथा है क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। लीवर कुहन ये साइंटिस्ट का नाम है बाबू, अब ब्रूनर भी जो है ना साइंटिस्ट का नाम है। बाकी गैस्ट्रिक शब्द आया है कहां से? तो गैस्ट्रिक आया है आपका स्टोमक से, और सलीवरी समझ ही रहे सलाइवा लार। तो सलीवरी ग्लैंड जो होता है वो आपका कहां पाया जाता है? बकल कैविटी के दीवार पर। होता कितना है? तीन पेयर होता है और तीन प्रकार का होता है, थ्री पेयर और थ्री टाइप्स, ध्यान रखिएगा। मतलब कुल संख्या इसकी छ होती है, लेकिन होता कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। इसमें पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों के तीनों पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपके कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होते हैं। कंपाउंड मतलब कई ब्रांच है उसका, ट्यूबुलो मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोलर ट्यूब जैसा भी होता है सिक्रीति पार्ट, और आगे में जाकर ऐसे एल्वियोलर मतलब घड़ा नुमा हो जाता है। तो ये ग्लैंड का टाइप में पढ़ना है, हम इसको पढ़ा देते हैं पहले, क्योंकि टिश्यू ढेर सारे बच्चे आप लोग में से हमको लगता है नहीं पढ़े हैं, तो उनको दिक्कत यहाँ पर हो रहा होगा। ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड या तरह तरह का यहाँ पर जो है ना आपका आ रहा है। बात कर रहे थे सलीवरी ग्लैंड में तीन प्रकार का हो गया। पहला है पैरोटिड ग्लैंड। इसका नाम पैरोटिड कैसे पड़ा? हम आपको बताए होंगे कि बायोलॉजी में कोई भी नाम जो है ना बिना मतलब का नहीं है, सबका अपना अपना मतलब है। ये अलग बात है कि जो बायोलॉजी के आपके शब्द हैं वो अधिकांश ग्रीक के हैं पुराने वाले शब्द, और नए वाले जो शब्द हैं वो इटली के हैं, लैटियम आपका भाषा के हैं, तो इसलिए हमको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, इंग्लिश वर्ड नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर पैरोटिड का मतलब क्या होता है? पैरोटिड जो है ना दो शब्द से आया है, पैरोटिड, ये पैरो जो है ना इसका मतलब होता है नियर, पार नियर, और टिड ईयर मतलब किसके कान के नजदीक में ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। वैसा ग्लैंड जो कान के बगल में, आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो ईयर पढ़ा रहे थे तो बताए होंगे, यहां पर पैरोटिड होता है इस रीजन में, जस्ट इस रीजन में कान से थोड़ा सा जो है ना नीचे और आगे के तरफ। ये जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है उसके बारे में देख लो, एक पेयर होता है। इसका पोजिशन कहाँ है? कान के जस्ट नीचे चीक रीजन में, इस रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका सबसे लार्जेस्ट सलीवरी ग्लैंड है। ये कहाँ निकलता है भाई? तो इसके बारे में बताया कि ये जो निकलता है आपका, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट सलीवरी ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड है वो, और ये आपका बकल कैविटी में खुलता है। लेकिन किसके मदद से खुलता है इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसका जो डक्ट होता है उसका नाम है एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट, और एक्सटेंशन डक्ट के मदद से ये खुल जाता है आपका सेकेंड मोलर पर, ऊपर ऊपर में है ना सेकेंड मोलर, अपर
मोलर आपको बताए थे, तीन दांत जो थे पीछे के उसको हम लोग मोलर बोलते थे, अंदर के इधर के उसको क्या बोलते थे, मोलर। तो उसमें जो दूसरा मोलर है करीब करीब वहां पर ये खुलता है आपका, किसके मदद से, एक्सटेंशन डक्ट के मदद से। अब इसका जो सिक्रीशन होता है वो सीरस होता है, सीरस समझते हो, सीरस का मतलब होता है वाटरी। हाँ, अगर दिक्कत हो रहा हो, हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो है ना पेन वगैरह लेके बैठा करो, और क्या करो, जब कुछ बताते हैं तो कुछ नोट भी किया करो, क्योंकि सब कुछ को यहाँ लिख देना संभव नहीं है इसमें, तो कुछ पेन वगैरह रखा करो और कुछ शब्द का जो है ना वो मतलब या कोई अलग कुछ हो तो उसको क्या करो, यहाँ पर नोट कर लिया करो। तो ये जो है इसका जो सिक्रीशन होता है पैरोटिड का, वो सलाइवा ही है, सबका तो सलाइवा ही है, लेकिन इसका सीरस होता है, सीरस का मतलब होता है वाटरी, पानी जैसा, ठीक है। सामान्यता आपका जो पैरोटिड जो ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, उसमें दो प्रकार के आपके सेल्स होते हैं, कुछ सीरस होते हैं और कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, कुछ सीरस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं और कुछ म्यूकस। सीरस का मतलब है वाटर, ठीक है, और म्यूकस का मतलब आपको दिमाग में रखना चाहिए वायल, तेल, ठीक है, तेल सिक्रीटिंग। तो यहाँ पर ये जो पैरोटिड है इसमें आपका जो है ना मेनली कौन होता है, सीरस सेल्स होते हैं, तो ये आपका सीरस ग्लैंड सिक्रीशन देता है, सीरस मतलब वाटरी, सलाइवा देता है। तो पानी जैसा जो आपका लार में होता है वो मेनली इसी से आता है, और ये आपके कुल सलाइवा का करीब 25% देता है। जितना सलाइवा आपका निकलता है, आगे हम पढ़ेंगे कि दिन भर में करीब करीब आपका 1.5 लीटर क्या होता है, लार निकलता है, हाँ, सलाइवा निकलता है। तो ये जो 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है उसका करीब 25% जो है ना सिक्रीशन आपका पर किससे आता है, पैरोटिड ग्लैंड से आता है। मम्स, इसी में एक सबहेडिंग है, स्टार करके लिखे हैं मम्स। मम्स क्या है, तो मम्स के बारे में समझ लो, ये आपका इन्फ्लामेशन है पैरोटिड ग्लैंड्स में। इन्फ्लामेशन मतलब वो इन्फेक्शन से उसमें सूजन हो जाना, उसमें आपका दर्द होना, लाल हो जाना, हाँ, और बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, ये अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर जलन हो, दर्द हो और लाल हो जाए, फूल जाए, स्वेलन हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ये किससे होता है, वायरस से कारण होता है, उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस, हाँ, उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मिक्सो वायरस है उसी के कारण ये आपका मम्स होता है। अब मम्स फैलता कैसे है, तो मम्स रियली में बोलने से नहीं फैलता है। मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, कोई अलग है, तो यहाँ से हम बोलेंगे तो वहाँ उड़ के नहीं चला जाएगा वो वायरस, उसके लिए सलाइवा का जो है ना आपका आदान प्रदान होना चाहिए। हाँ, अगर सटा के सटकर बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ जो है ना आपके बूंद ड्रॉपलेट्स के रूप में जाए सलाइवा का, तब आपको हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। मम्स बारे में एक बात ध्यान रखना है, हम लोग के जो पूर्वज थे ना काफी समझदार थे, हाँ, वो अपने बच्चों को एक सलीका सिखाते थे कि रोटी जो है ना काट के नहीं खानी है, रोटी उतना ही तोड़ो जितना एक बार में आप माउथ के अंदर डालो और चबा सको। हमारे पूर्वज जो थे उंगलियों को चाटने से मना करते थे, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि जब भी बात करो तो या तो थोड़ा सा जो है माउथ पे हाथ रख के बात करो या मुंह झुका के बात करो। तो इनका रीजन क्या था, आज कोरोना ये बात बता दिया है कि हमारे पूर्वज जो है ना वो काफी ज्यादा विद्वान थे, अगर हम अपने पूर्वजों की बातों को ठीक से मानते होते तो शायद कोरोना इतना विकराल रूप में नहीं पाया जाता। हाँ, आज सारे लोग कोरोना से परेशान है, कोरोना से परेशान नहीं है बल्कि कोरोना हम लोगों से परेशान है, वो बेचारा नहीं करना चाहता है कोई भी चीज, लेकिन हम लोग जानबूझ के उसको बोल रहे हैं कि करो यार, करो, करो ना, हाँ, हम लोग को परेशान करो आप, क्यों, आप क्या कर रहे हो, जब आप जान रहे हो कि वो फैलता किससे है, जब आपको ये आइडिया है कि वो जो है ना आपके नाक और मुंह से अंदर जाता है, तो आपके नाक और मुंह को ढक के रखने में क्या दिक्कत है भाई। लेकिन हमको तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम कुछ दिन पहले जो है ना वो कॉपी जांच में थे, तो कॉपी जांच में भी हमको हम कोरोना को रोकने का जो है ना बहुत आसान सा उपाय है। पहला क्या उपाय है भाई, कि कभी भी नाक और मुंह को जो है ना खुला नहीं छूएंगे, बस इतना ही तो उपाय लगाना, बाकी हाथ से जो चीज छूना है छूते रहो ना यार, छूने से क्या समस्या है। अब उस हाथ को नाक के पास नहीं ले जाना है, जब भी नाक के पास ले जाएंगे हम या मुंह के पास ले जाएंगे तो धो धा के ले जाएंगे हम, और एक सैनिटाइजर के पेट में पड़े हुए हैं हम,
हाँ, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का जब जब जिसको देखो, छोटे बच्चों को देख रहे हैं घरों में सैनिटाइजर दे रहे हैं माताएं और उनके गार्जियन, गधे हैं वो अपने भी और बच्चों को भी गधे बना रहे हैं। सैनिटाइजर का यूज अगर आप ज्यादा करोगे, उसमें केमिकल्स है यार, वो क्या करेगा, स्किन को बर्न करेगा, रिएक्शन करवाएगा, कोई नया रोग होने लगेगा, चर्म रोग हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को आप या ऐसे माताओं को चाहिए क्या कि वो बच्चों को क्या कहें, अगर हाँ हाथ साफ होना चाहिए तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप क्या करो, साबुन से धोवाओ ना उसको, थोड़ा साबुन लगाए वो करीब 20 सेकेंड तक रखे और बढ़िया से धो के उसको क्या करे, साफ कर ले। लेकिन ये सैनिटाइजर लगाकर कोरोना रोक लेंगे, ये ठीक समझ में हमको नहीं आ रहा है। कल ही का घटना है, लगता है सरकार जो है ना 18% जो है ना इस पर क्या किए, वैट लगाई है। लोग इस पर चिल्ला रहे होंगे, चीख रहे होंगे, लेकिन अगर बायोलॉजी के हिसाब से हमसे पूछो तो हम खुश हैं। हम खुश इस तरह से हैं कि ये क्या होगा, अब सैनिटाइजर का दाम बढ़ जाएगा। सैनिटाइजर का दाम जब बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका उपयोग कम करेंगे। हाँ, हम लोग क्या समझ रहे थे, सैनिटाइजर को पानी समझ रहे थे, जब देखो सैनिटाइजर को देख रहे हैं। हम तो अभी अभी अपने रिश्तेदार के यहाँ भी या कुछ अपने जानने वाले लोगों को के घर में भी हम देख रहे हैं कि वो सैनिटाइजर को वैसे यूज कर रहे हैं जैसे लग रहा है ना कि वो जो है ना अमृत ऊपर से मिला है, और वो अपने बच्चे बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे पूरा लगा लगा के सूंघ रहे हैं, आह धम धम कर रहा है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको धमकना ही है तो सेंट लगाओ ना, सैनिटाइजर क्यों लगा रहे हो आप, और भी सेंट लगा के क्या करोगे यार, ठीक से स्नान करो ना, अपने धमकते रहोगे। क्योंकि हम लोग के बॉडी से एक हार्मोन का सिक्रेशन होते रहता है, फेरो हार्मोन, जो क्या करता है अपना एक आकर्षण देता है, अपना एक स्मेल देता है। तो खैर हम यहाँ पर आ रहे थे, कहाँ पर थे, हम बात कर रहे थे मम्स के बारे में। तो मम्स किससे हो रहा था, मिक्सो वायरस से। तो कोशिश करना है कि लार वगैरह जो है ना वो टच में ना जाए एक दूसरे से। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है मम्स में, अगर बच्चों में हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर मेल में हो जाए, एडल्ट मेल में या यंग मेल में, मतलब जो 18 से 20 25 साल के हैं उनमें अगर हो जाए, तो देखा क्या जाता है कि इसका जो ये जो इन्फेक्शन है मिक्सो वायरस का, वो टेस्टिस में पहुंच जाता है और वैसे लोग स्टेराइल हो सकते हैं, मतलब उनका बाल बच्चा नहीं हो सकता है। ठीक है, जिनको मम्स हो गया है एडल्ट में या यंग उम्र में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगर वो मेल है तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स का बात करते हैं। सब लिंगुअल, सब मतलब नीचे, लिंगुआ मतलब आपको बताए थे हम, लिंगुआ का मतलब होता है आपका टंग। तो टंग के नीचे संख्या कितना, वन पेयर, पोजीशन कहाँ, बिलो द टंग, ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ये ध्यान रखना है। आपके आपके सैलिवरी ग्लैंड में सबसे छोटा ग्लैंड कौन है भाई, सब लिंगुअल, सबसे बड़ा कौन है भाई, पैरोटिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो है ना बकल कैविटी में खुलता है और इसका जो डक्ट है उसका नाम है रिविनस ग्लैंड डक्ट। ठीक है, उसका जो आपका पैरोटिड था उसके डक्ट का नाम क्या था, एक्सटेंशन, वहां पर किए होंगे शायद, उसका देख लीजिएगा, उसका कहाँ था, हाँ पैरोटिड ग्लैंड, हाँ एक्सटेंशन डक्ट, हाँ। और सब लिंगुअल डक्ट था जो है उसका डक्ट का नाम क्या है, रिविनस डक्ट। और ये कहाँ खुलता है भाई, तो लिंगुअल फ्रेनुलम के बेस पर, हाँ किसके मदद से, डक्ट के, ढेर सारा डक्ट इसमें होता है जिसके मदद से ये खुलता है। आपको लिंगुअल फ्रेनुलम हम बताए थे, लिंगुअल फ्रेनुलम के बारे में बताए थे कि वो आपका जीभ जो होता है उसका जो पोस्टीरियर जो मोस्ट इंड होता है उसको लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं, और इसका जो सिक्रीशन होता है म्यूकस सेलाइवा होता है। हाँ, पैरोटिड में कौन था, पैरोटिड में आप देखे थे कि ये सीरस सेलाइवा था। ठीक है, सीरस मतलब पानी जैसा, और इसका जो सेलाइवा है म्यूकस सेलाइवा, म्यूकस मतलब चपचपा, वो नीटा का जो आता है इसमें, ये आपका जो सिक्रीशन होता है कुल आपका उसका करीब 5% ये देता है। कौन देता है भाई, सब लिंगुअल ग्लैंड देता है। हम अब बात करते हैं थोड़ा सा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का। ऐसे हम आपको पहले भी बताए होंगे शायद, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो तो, ये आपका सिलाइवा के लिए वहां पर बताए थे। ठीक है, यहाँ पर था सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बताए थे। देखो इसी रीजन में जो है ना वो आपका खुलता है, सब लिंगुअल जो था ना इस रीजन में खुलता था। सब मैंडिबुलर जो है ना वो भी आपका इस रीजन में रहता है, इस रीजन में है, लेकिन खुलेगा वो आके यहाँ पर। ठीक है, वो आगे की तरफ खुल जाता है। तो फिलहाल हम फिर से बात करते आ जाते हैं वहां पर जहां हम पढ़ रहे थे, और वो पढ़ रहे थे हम ग्लैंड के बारे में, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होता है वो भी आपका वन पेयर का होता है। मैंडिबुलर आपको पीछे भी बताए थे, ये लोअर जो जा है जबड़ा, इसके हड्डी को बोलते हैं मैंडिबुलर। ठीक है, मैंडिबल,
तो मैंडिबुलर इसके जस्ट नीचे यहां पर इस रीजन में, ठीक है। और ये जो ऊपर का जबड़ा है इसका नाम है मैक्सिली, ठीक है। तो इन दोनों के जंक्शन पर करीब करीब पाया जाता है। तो यहां पर लिखे हैं कि संख्या इसकी कितनी होती है, एक पेयर होता है। और एक बात और यहां पर बताया है कि इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो अपर और लोअर जाके जंक्शन पर। अपर जा को क्या बोल लेते हैं, मैक्सिला बोन, है ना। और लोअर जा जो है ना बना होता है किसका, मैंडिबल बोन। तो दोनों के जंक्शन पर होता है, इसलिए इसको सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये बैकल कैविटी में खुलता है, इसके डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। हाँ, इसका डक्ट का भी नाम जो है ना याद रखिएगा, इसका डक्ट का नाम क्या है, वाटसन डक्ट। ये आपको हम तीन प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़े और उनकी संख्या पढ़े। इसका जो सलाइवा होता है वो मिक्स टाइप का होता है। मिक्स टाइप का मतलब है आपका मिला जुला, ध्यान रखिएगा, मतलब सीरस भी और क्या, वाटरी भी। तो ये आपको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, और इसको जो है ना आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करते हैं वो आपका अगला का बात है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो है ना उसमें पहला जो था वो था सैलिवरी ग्लैंड्स, उसी में चौथा जो आपका टाइप है उसका नाम है इंफ्रा और वाइटल। इंफ्रा और वाइटल ये ध्यान रखिएगा, इंफ्रा बता रहे हैं और वाइटल ये एक सैलिवरी ग्लैंड है, चौथा टाइप का है सैलिवरी ग्लैंड। लेकिन इसका एक खासियत क्या है कि ये हम लोग में नहीं होता है, मनुष्य में ये नहीं होता है। ये आपका किस में होता है, तो ये आपका रैबिट में होता है। इसका जो सिक्रीशन, ये जो है ना इसका जो सिक्रीशन होता है वो आपका कहाँ जाता है, बकल कैविटी में जाता है एक डक्ट से, और उस डक्ट का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नेमलेस डक्ट है ये। इसका फंक्शन जो है सैलिवरी ग्लैंड का वो क्या है, सलाइवा का सिक्रीशन करना। इंफ्रा और वाइटल ध्यान रखना, इंफ्रा और वाइटल जो होता है वो फोर्थ एडिशनल ग्लैंड है, एक पेयर होता है। किस में पाया जाता है, रैबिट में पाया जाता है। इंफ्रा बोले ऑर्बिटल, ऑर्बिटल समझते होंगे आप शायद, आई आई बॉल के कैविटी को ऑर्बिट बोलते थे, उसके बगल में नीचे रहता है। अब सलाइवा जो है ना वो सिक्रीशन हो गया किसका, फंक्शन हो गया किसका, सैलिवरी ग्लैंड का। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सलाइवा जो है ये क्या है, तो सलाइवा करना है तो छोड़ देते हैं यार। सलाइवा जो है ना हम कल बात करते, और सलाइवा का